यहां हम बात करने जा रहे हैं वापस पार्वती और पार्वती। दोस्तों बड़ा गजब का क्वेश्चन है, मैं एक तरफ लिखूंगा पार्वती नदी और एक तरफ लिख रहा हूं मैं पार्वती नदी, पार्वती ठीक है, पार्वती है और ये पार्वती। और सबसे पहले आपको याद रखना है ये विंध्याचल की पहाड़ी, दोस्तों विंध्याचल पहाड़ी यहां है, वैसे विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है या विंध्याचल पर्वत से निकलती है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में जहां पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है। तो आप लिख सकते हो सीहोर एमपी, सीहोर एमपी के अंदर विंध्याचल की पहाड़ियों से उद्गम होता है और पार्वती नदी सीधी बारा जिले में प्रवेश करती है। बहुत शानदार क्वेश्चन। और बारा के अंदर भी छतरपुरा गांव में प्रवेश करती है, जो कि छबड़ा बारा में है, छबड़ा जान गए ना, छबड़ा जो तहसील है उसका एक गांव है छतरपुरा, वहां पर ये प्रवेश करी। तो मध्य प्रदेश से ये आएगी सीधी राजस्थान के अंदर बारा जिले के छतरपुरा गांव में, छतरपुरा गांव जो कि कहां पड़ता है आपके बूंदी जिले के अंदर, कौन सा, छबड़ा में, छबड़ा बारा में, छबड़ा बारा। तो ये राजस्थान के कौन से जिले में प्रवेश कर रही है, बारा जिले में। तो सीधी सी बात है पार्वती नदी किसकी हो गई, बारा की हो गई, बूंदी की नहीं है ना, ठीक है, छतरपुरा गांव में प्रवेश कर गई है भाई, ठीक है। अब आते ही पूछा जाए कि आप बताओ कि पार्वती नदी राजस्थान के कौन कौन से जिले में बहती है, तो प्रवाह इसका तीन जिले है। सबसे पहले ये बारा में आएंगी, बारा के बाद में ये कोटा में जाएंगी, कोटा के बाद में ये सवाई माधोपुर में जाएंगी, आ जाएगी भाई सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर के अंदर एक छोटा सा गांव है पालिया गांव, कौन सा गांव है लिख देता हूं, पालिया गांव। दोस्तों इस पालिया गांव में ये सबसे तकड़ी चीज ये है कि ये गांव सवाई माधोपुर का है और इसी गांव में ये संबल में मिल जाती है पार्वती नदी। देखो दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले काली सिंध की खूब सारी नदियां बताई, मैंने वहां पर चर्चा नहीं करी थी ना पार्वती की, क्योंकि पार्वती नदी काली सिंध की सहायक है ही नहीं, वो चंबल की सहायक नदी है, सीधी चंबल में मिलेगी आपके सवाई माधोपुर के पालिया गांव में, चंबल में मिल गई है, बहुत शानदार। अब ये है पार्वती नदी, पार्वती नदी की कई सहायक नदियां हैं, कई बार आपने देखा होगा जैसे लियासी नदी, पर्नी नदी, इसका मतलब वो जितनी भी नदियां बता रहा हूं वो लगभग नदियां बारा जिले की है, बहुत शानदार क्वेश्चन। दोस्तों मैं कुछ नदियों के नाम बोल देता हूं सीधा, लियासी नदी, पर्नी, पैंथली, अंधेरी, बिलास, ये इसकी सहायक नदियां हैं पार्वती की, है ना। पुल देखो दोस्तों दो नदियां, एक कुन्नू है, एक तो हम पढ़ेंगे कुन्नू नदी, एक नदी पढ़ेंगे हम पूल नदी, ये एक जैसे दो नाम है, एक है कुन्नू, कुन्नू नदी सीधी चंबल में मिलती है, सीधी चंबल में, जबकि कूल नदी पार्वती की सहायक, याद रखना कूल नदी किसकी सहायक है, पार्वती की, जबकि कुन्नू सीधी चंबल में, ठीक है। तो यहां आप याद रख सकते हैं कूल नदी किसकी है, पार्वती की। तो मैंने लियासी बताई, मैंने बरनी बताई, मैंने बैंथली बताई, मैंने आपको अंधेरी बताई, मैंने आपको कूल बताई, मैंने विलास भी बता दी है, हाँ एक डुबरान, डुबरान नाम की नदी या डुबराव नदी भी है, वो भी आप याद रख सकते हैं, डुबरान नदी, ये भी किसकी है, पार्वती की। तो ये पार्वती नदी के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्वती, पार्वती नदी के बारे में, शानदार क्वेश्चन। चलो भाई पार्वती देख लेते हैं, ये पार्वती थी, अब पार्वती, पार्वती के लिए हमें जाना है करौली, और यदि आप में से कोई करौली का है तो क्या आप करौली के अंदर सपोटरा तहसील के हैं, तो आप बिल्कुल सत्य जगह पहुंच गए हो, पार्वती नदी का उद्गम सपोटरा तहसील के अंदर एक गांव है, वहां से है, जिस गांव का नाम है छावर गांव, मैं लिख देता हूं छावर गांव। तो छावर गांव की जो पहाड़ियां हैं, छावर गांव की पहाड़ी सपोटरा तहसील, सपोटरा तहसील यहां से निकलती है, यानी करौली से, करौली की ये तहसील है सपोटरा, जिसका गांव है छावर, यहां से ये निकलती है और करौली से निकलकर सीधा ये धौलपुर में प्रवेश करेगी। दोस्तों याद रखें इसका प्रवाह क्षेत्र करौली के बाद में कौन सा है, धौलपुर है, करौली के बाद में सीधी ये कहां जा रही है, धौलपुर में जा रही है, ठीक है, धौलपुर में। एक तकड़ी बात दोस्तों, हम दो नदियां और पढ़ेंगे जो बड़ी गंभीर नदियां हैं, एक का नाम है गंभीरी नदी और एक का नाम है गंभीर नदी, हम दोनों में तुलना करेंगे, जैसे हम पार्वती और पार्वती में कर रहे हैं ना वैसे के वैसे। देखो दोस्तों पार्वती नदी सीधी चंबल में मिलती है, याद रखें, जबकि पार्वती नदी चंबल में नहीं मिलती, पार्वती नदी चंबल में नहीं मिलती, क्योंकि ये गंभीर नदी में मिलती है और गंभीर नदी अपना पानी यमुना में ले जाएगी, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, मैंने ध्यान रखना, गंभीर नदी यमुना में, जबकि गंभीरी यदि हम पढ़े तो बनास की सहायक है, वो अलग चर्चा करूंगा, अभी रुको, मैंने बोला ना गंभीर और गंभीरी दोनों में हम अंतर देखेंगे, रुको थोड़ा सा, अभी पहले इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। पार्वती नदी छावर गांव की पहाड़ियां सपोटरा तहसील करौली से निकलकर करौली से धौलपुर में एंट्री करेगी और बाद में धौलपुर में, धौलपुर के अंदर ही गंभीर नदी में मिल जाएगी, तो मैं लिख देता हूं गंभीर नदी में मिल जाएगी, गंभीर नदी में, इसका मतलब क्या हुआ कि गंभीर नदी की सहायक नदी कौन है, पार्वती। और एक तकड़ी बात, धौलपुर में गंभीर नदी में मिलने से पहले एक अगाई नामक स्थान जहां पर अगाई बांध बना हुआ है, शानदार क्वेश्चन। दोस्तों कौन सा बांध है, अगाई बांध, तो आप याद रखेंगे अगाई बांध धौलपुर में है, जिसमें जिस जगह पर, तो इस अगाई नामक स्थान पर अगाई बांध है, तो किस नदी पर है, पार्वती पर, इसे पार्वती बांध भी कहते हैं, एक और नाम मिलता है पार्वती बांध। दोस्तों याद रखें पार्वती बांध भी कहते हैं, अगाई बांध भी कहते हैं, गंभीर नदी में मिलने से पहले धौलपुर में अगाई नामक स्थान पर पार्वती नदी पर यह बांध बना हुआ है, शानदार क्वेश्चन। यदि आपसे कोई पार्वती, यानी ये पार्वती है, इसकी कोई सहायक नदी पूछे तो आप याद कर सकते हैं शेरनी और मेंढका नदी, आप लिख सकते हैं शेरनी, शेरनी और मेंढका, मेंढका, ये दो नदियां पार्वती की सहायक है, लेकिन पार्वती किसकी सहायक है, गंभीर की, न कि गंभीरी की। गंभीर नदी वो नदी है जिसके किनारे बयाना का मैदान है और खानवा का मैदान, वेरी इंपॉर्टेंट है ये नदी है। तो मैंने यहां पर पार्वती और पार्वती अंतर स्पष्ट कर दिया, ठीक है।